ओम शांति। नमस्कार। चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सिंपल दाल पालक, जिसके लिए मैंने एक कटोरी दाल लिया है, मिक्स दाल है ये। इसको मैं 2 घंटे सोक कर चुकी हूँ, पालक ली। अब कुकर में पानी डालेंगे, दाल डालेंगे, पालक डालेंगे, कटी हुई बारीक अदरक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और कुटी हुई एक बड़ी इलायची डालेंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे। 2 सीटी आने तक इसको हमें पकाना है। तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, जीरा डालेंगे, तेजपत्ता डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, खड़ी इलायची डालेंगे और कुछ खड़े गरम मसाला डालेंगे। आँच में एकदम लो की हूँ। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, गोल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको 1 से 2 सेकंड भून लेंगे। उसके बाद इसमें कटे हुए बारीक टमाटर मिला देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक इससे तेल अलग ना हो जाए। देखिए अब इसमें क्रश किया हुआ मसाला हुआ कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसको चलाएंगे। अब उबले हुए दाल को इसमें मिला देंगे। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको हमें 2 से 3 मिनट ढककर पकाना है। देख सकते हैं दाल बॉयल हो रहा है। मैंने यहाँ रहर, चना और मूंग का दाल का इस्तेमाल किया है। पक जाने के बाद इसमें घी डालेंगे ऊपर से 1 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और बारीक कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। गैस ऑफ करके इसमें 1 नींबू का जूस मिला देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए, देख सकते हैं दाल अब सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दाल बहुत ही टेस्टी बनी है, इसे रोटी या चावल के साथ सर्व किया जा सकता है। हेल्दी, आयरन और प्रोटीन युक्त दाल तैयार है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य हमें बताइएगा